सारा पानी रोड के बीच से जा रहा है, देख सकते हो बहुत ही मुश्किल से हम चल रहे हैं अभी यहाँ पे चिक्कड़ में। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग, मिस्टर बड़ियोंगो में संजय और आते हैं सजना व्लॉग्स। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, तो आज लग चुकी है बारिश बहुत ज़्यादा, तो अभी जाना है स्कूल, लगभग अभी बच रहे हैं 8:30, तो स्कूल के लिए निकलना है। तो बारिश ने बहुत ही बुरी कंडीशन कर दी है यहाँ पे हमने प्लान वगैरह प्लान किया था कल, देख सकते हो पूरी बारिश ही बारिश हो रखी है। तो इस साइड ये वाला खड्डा रह गया भरने के लिए, पीछे से मिट्टी खोदेंगे तो यहाँ पे डालेंगे, पीछे से पूरा पानी आ रहा है प्लेंथ से, प्लेंथ के पिछली साइड, वहाँ पे पापा घास काट रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमने खोदना है, खोद के ये वाली पीछे नाली निकाल ली हमने, पीछे से पूरा पानी आ रहा है वहाँ पे, अजय भी तैयार हो रहा है आज सुबह सुबह। तो इस साइड से पूरी बारिश बारिश हो रखी है आज, देख सकते हो इस साइड सामने पीर पंजाल में बर्फ हो गई सामने, देख सकते हो। तो यहाँ से पानी आ रहा है पीछे से, यहाँ पे बीज चल रहा जा रहा है, प्लेंथ के बीज आ रहा है। तो इस साइड एक दो दिन लगा के हमने, कल और परसों दो दिन लगा के, तो ये पूरी मक्की काट दी थी, मैं नहीं था घर पे क्योंकि मैं परमानेंट स्कूल जाता सुबह, तो इसलिए मैं घर पे नहीं था, घर वालों सब ने मक्की काट के वो वहाँ से लेके पूरी यहाँ तक मक्की काट के यहाँ पर हमने लड़ी लगाई है, यह हमारी लड़ी है, तो यहाँ सामने ऊपर अंकल औरों की है, तो ये लगा लिए। तो अभी हमने घास काटना है ये वाला, अभी जिसने एक दो दिन में बारिश कम हो जाएगी तो धूप वगैरह लगेगी, तो ये हमने घास वगैरह भी काट देना है। ये रहा मेरा घर। तो दोस्तों आज मैं स्कूल में फ़ोन लेके जा रहा हूँ क्योंकि आज ये बारिश, तो बारिश में फ़ोन मैं लेके जाता हूँ साथ में क्योंकि घर पर लाइट नहीं होती है, तो जाना में ही फोन चार्ज वगैरह लगा लेते हैं। तो देख सकते हो मेरे को छाता वगैरह ले लिया मैंने, तो निकल रहा हूँ अभी, और कोई नहीं आया पीछे आज क्योंकि अभी बच्चे आधे से ज़्यादा पीछे हैं, तो मैं निकल रहा हूँ जल्दी, मेरे को कुछ काम वगैरह भी है चाना में, तो इसलिए जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ। तो घर से निकलते ही जो हमारी जगह में ये वाला जंगल आ जाता है, वो जंगल थोड़ा सा गुजरने के बाद हम निकलते हैं सीधा चाना की तरफ, तो लगभग हमें 15-20 मिनट तो लगते हैं स्कूल को जाने। सामने देख सकते हो सामने का व्यू, तो अभी पीर पंजाल में बिल्कुल बर्फ गिर रही है, देख सकते हो बर्फ ही बर्फ हो रखी है, अभी थोड़ी थोड़ी दिख रही है अभी, तो मौसम बहुत ही गड़बड़ हो रखा है अभी, देख लो वहाँ पे सुंगड़ी की मार्केट है वहाँ पे। तो इस साइड देख सकते हो कितनी बुरी कंडीशन हो गई है, पाँव बिल्कुल गिल्ले हो गए पाँव मेरे। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ बिल्कुल स्कूल वाले जो रोड है हमारा, तो इस रोड में पहुँच चुका हूँ, अभी तक एक बच्चा भी नहीं जो स्कूल में मिल रहा है, स्कूल में आते अभी तक एक भी स्टूडेंट नहीं मिल रहा है जो स्कूल में जा रहा हो, आज बारिश भी बहुत ज़्यादा है इसलिए एक भी स्टूडेंट नहीं आ रहा अभी। तो यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हो यहाँ चिक्कड़ ही चिक्कड़ हो रहा था पूरा, हमारे रोड की क्या कंडीशन हो गई, यहाँ पर गाड़ियाँ कैसे चलेगी, अब बिल्कुल बुरी कंडीशन हो गई है हमारे रोड की, तो इस रास्ते चलना है बहुत मुश्किल हो गया हमें। आप देख सकते हो यहाँ पर रोड की कंडीशन, आगे आगे मैं आपको बताऊंगा चाना के रोड की कंडीशन क्या हो रखी है, हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है ये यहाँ पे चलना और गाड़ियों को आना, यहाँ पे खाली ट्रैक्टर चलते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से चलते हैं ट्रैक्टर, तो हम कैसे चलते हैं इस रोड से। तो अभी देख सकते हो ना कोई नाली निकाली है हमें यहाँ पर, ना कुछ, सारा पानी रोड के बीच से जा रहा है। मैं अभी बता रहा हूँ अपनी चाना रोड की कंडीशन को किस तरह की है, तो हम किस रास्ते से होकर स्कूल में जाते हैं अभी, तो ये देख सकते हो खड्डे, देख सकते हो कितने कितने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खड्डे हैं, इस रास्ते हम कैसे चलते हैं वो हमें पता है। नीचे चिक्कड़ देख सकते हो, स्लिप हुआ तो नीचे जाएगा सीधा इंसान, हम डेली इसी रास्ते से स्कूल जाते आते जाते हैं, कभी बारिश होती है तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, देख सकते हो। ये रहा हमारा चाना का गांव, देख सकते हो यहाँ पे सामने हमारा स्कूल है, तो इस साइड से कुछ इस तरह का व्यू है अभी के टाइम पे, क्योंकि बारिश ही बारिश हो रखी चारों तरफ से, देख सकते हो आप।
देख सकते हो बहुत ही मुश्किल से हम चल रहे हैं अभी यहाँ पे चिक्कड़ में, क्योंकि स्लिप भी बहुत ज़्यादा है देख सकते हो आप। ओ भाई साहब कैसे निकले, जूते बिल्कुल चिक्कड़ से भर गए पूरे देखो, क्योंकि यहाँ पे खड्डे देख सकते हो आप, जूते चिक्कड़ से भरने आ गए। दोस्तों अभी बज रहे शाम के 5, तो मैं स्कूल से घर वापस आ चुका हूँ। तो अभी मैंने और ओमकार ने प्लान बनाया, आज हम जाएंगे ऊपर। तो आज श्राद्ध भी है एक जगह, तो वहाँ पे जा रहे थे हम, तो सोचा चलो काफ़ी टाइम के बाद हम अपने ऊपर गाँव में जा रहे हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, नॉर्मल जाएंगे नीचे नीचे तक। तो हम आपको बता देंगे तो किस तरह की हरियाली हो गई है। तो ऊपर धान वगैरह भी पक गए हैं आजकल हमारे जगह में, धान वगैरह दिखाते हैं। तो मंदिर के पास तक जाएंगे हम, अब तो यहाँ पे पूरा गांव का थोड़ा बहुत व्यू दिखा देंगे। और सामने पीर पंजाल है, जो पीर पंजाल पे बर्फ़ है, बर्फ़ अभी दिखाता हूँ आपको। तो सामने पीर पंजाल देख सकते हो आप, पीर पंजाल पे बर्फ़, सुबह से कल शाम से बारिश हो रही थी, सुबह यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। सुबह का मौसम तो अभी का मौसम देख सकते हो किस तरह का, अभी मुझे लग रहा है 2 दिन बारिश और है अभी। तो इस साइड देख सकते हो धान भी पक गए हैं आजकल, मैं आपको बता देता हूँ धान के बीच जाके धान भी पक चुके हैं देख सकते हो आप। अभी ये भी काटने, पिछली बार मैंने धान काटने की वीडियो यहीं पर बनाई थी, थोड़ा आगे आगे जाके बताता हूँ आपको मैं। ये देख सकते हो हमारे धान यहाँ से ऊपर है, यहाँ से लेके ये वाले, ये हमारे अपने धान है, ये वाली ज़मीन हमारी है। सामने पार्थक है, ये काली माता का मंदिर आपने पहले भी देखा। तो कैसा मौसम है और किस तरह के धान है कमेंट करके जरूर बताना, तो हम इन पर वीडियो बनाएंगे अभी। तो देख सकते हो हमारे खेत धान के, यहाँ पे ये वाली जितनी, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ फिर से, तो मैं बिल्कुल अभी खेतों के सेंटर में आ चुका हूँ। तो इस साइड से देख सकते हो आप ये वाले खेत बिल्कुल पक चुके हैं, अभी काटने के लिए हो गए हैं। तो ये हमने जल्दी काटने हैं, काटने के बाद यहीं पर इकट्ठे करेंगे, सूखने के बाद इसमें से धान वगैरह निकालेंगे। तो सामने पीर पंजाल देख सकते हो बिल्कुल बर्फ ही बर्फ रखिए। तो किस तरह का व्यू है इन खेतों का कमेंट करके जरूर बताओ। आप इन खेतों की फुल वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करो, तो मैं एक दिन फुल वीडियो इन खेतों की बनाऊंगा, और खेतों में क्या क्या लगाया है और किस तरह से धान लगाएं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा फुल वीडियो। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने गाँव से, दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर से बिल्कुल ऊपर टॉप पे। यहाँ से ऊपर भी हमारा गाँव बहुत बड़ा, ऊपर तक टॉप तक, लेकिन मैं बिल्कुल हाफ में हूँ अभी। इस साइड काली माता का मंदिर है, तो साथ में मैंने आपको दिखाया धान के खेत, इस साइड भी यहाँ पे भी धान के खेत है। तो हमारा जो घर है वो सामने जो दरख्त दिख रहा है, ये दरख्त बड़ा वाला, तो इसके निचली साइड हमारा घर है, सामने मामू का घर है। तो इस साइड पीर पंजाल देख सकते हो, बर्फ ही बर्फ हो रखी है पीर पंजाल में। तो इस साइड भी देख सकते हो आप, ये चारों तरफ से व्यू है, मैंने आपको पहले भी नाम बताया। उस साइड है बलवंत कोट, इस साइड भगोदास, तो ये पीर पंजाल है। यहाँ पे डंडकोट, डंडकोट के उस साइड भागनकोट है, ये सामने सुंगड़ी है, वो वहाँ पे चसाना, चसाना यहाँ से नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, नहीं दिख रहा चसाना यहाँ से। ये पूरा पीर पंजाल रेंज है, यहाँ से ऊपर से ये पूरी पीर पंजाल रेंज है। तो ये हमारा छोटा सा गांव है, हमारे गांव का नाम है बघेई, तो ये चाना में ही पड़ता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी घास वगैरह भी है, इस साइड पूरे टॉप पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमने अभी जाना है घर पर, तो बिल्कुल इस तरह का गाँव है हमारा। तो मेरे विषय ओंकार भी है, तो अगर आपकी इच्छा होगी, आपके कमेंट होंगे अच्छे, तो एक दिन हम अपना गांव उस टॉप से जाके दिखाएंगे, वो वाला टॉप है सामने, इस टॉप पे हम जाएंगे तो हम अपना गांव दिखाएंगे, इससे पूरा गांव बघेई का पूरा गांव हम अपना दिखाएंगे, और कितने घर है और कैसे कैसा गाँव है हमारी बघेई का। अगर आपका कमेंट होगा अच्छा तो हम जाएंगे ऊपर दिखाने के लिए। तो अभी पहुँच चुके हैं हम अपने नीचे दादू के घर पर, तो ये रहा घर दादू का, साइड बकरियाँ बांधी है, ये मक्की वगैरह निकाल रहे हैं, कच्ची मक्की है भी, इसको निकाल के भून के तो सर्दियों के लिए रखते हैं खाने के लिए। इसको अभी के टाइम पे इसमें मक्की निकाल के इसको भुनेंगे, भुनने के बाद सर्दियों के लिए रखेंगे खाने के लिए। तो यहाँ पे हल्दी के,
ये सबसे छोटे अंकल का लड़का है, अभी लगभग 2 साल का हुआ। क्या कर रहा है? बाय कर, बाय कर, बाय कर ना हार्दिक, बाय कर, बाय। बोल सब्सक्राइब करो, बोल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। हाँ सर, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करो हमारी वीडियो को। यहाँ पे इसको बीच बीच में लोग जानते हो, ये है सिमरन, पिछली बार भी वीडियो में आई थी। मेरा दादू का घर, सबसे पुराना घर हमारा यहाँ पे, इस तरह का घर होता है हमारा। यहाँ पे लकड़ी का पूरा, ऊपर मिट्टी, ये हमारे गांव के यहाँ पे घर है। इस साइड से पूरी मक्की वगैरह काटती है नीचे तक, आप देख सकते हो पूरे सब लोगों ने मक्की काट दी है यहाँ पे, खाली धान बचे। तो ये वाला घर है, यहाँ पे हम पहले रहते थे, मतलब नीचे 2-3 साल पहले जब हम यहाँ से अलग हो गए तो यहाँ पे रहते थे हम। ये सब दरख्त मैंने लगाए यहाँ पे, देख सकते हैं। इन्हें फूल है, कहाँ से लाए? देखो फूल लाए इन्हें तोड़ के, ये फूल नहीं तोड़ते, देखो कितने प्यारे फूल हैं, ये फूलों को नहीं तोड़ते हैं।